नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार बनाने की प्रक्रिया अगले 5-6 दिन में पूरी हो जाएगी और दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार का गठन किया जाएगा। प्रक्रिया अभी चल रही है। संजय राउत ने आगे कहा, महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पिछले 10-15 दिन में जो भी रुकावटें थी वे अब नहीं हैं। गुरुवार दोपहर 12 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि बाधाएं दूर हो गई हैं। गुरुवार दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार देश की महान संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के कई अहम संस्थानों को बेचने और प्राइवेट हाथों में देने के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे संस्थान हमारी शान है, यही हमारी सोने की चिड़िया है। बीजेपी ने वादा तो देश बनाने का किया था, लेकिन काम भारत के बेहतरीन संस्थानों को खोखला कर उन्हें बेचने का कर रही है, ये दुखद है। दिल्ली में नकली जीरा बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बवाना में नकली जीरा बनाने का काम करता था। जीरा मिलावटी नहीं था, ये पूरी तरह से नकली था। इसके लिए वे घास, पत्थर के पाउडर और शीरे का इस्तेमाल करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बुधवार को वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन चढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर काफी खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। बता दें कि दिल्ली में सोमवार को मौसम साफ था, जिसको देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा था कि आसमान साफ है, अब दिल्ली में ऑड इवन की जरूरत नहीं पड़ेगी।